क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सरफराज अहमद का कहना है कि वो जीत का क्रेडिट तमाम बॉलर्स को देंगे। नसीम शाह ने बेहतरीन बॉलिंग की, एहसान अली ने दोनों मैचेस में परफॉर्म किया, उम्मीद है वो अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखेंगे। कराची किंग्स के कैप्टन बाबर आजम कहते हैं कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छी थी, हमने रन्स कम किए, उम्मीद है गलतियों से सीख कर आइंदा के मैचेस में बेहतर परफॉर्म करेंगे। आई थिंक मैं क्रेडिट दूंगा आज के दिन तमाम बॉलर्स को, जिस तरीके से बॉलिंग की सुहेल तनवीर ने टून को सेट किया और उसके बाद जिस तरीके से नसीम शाह ने बॉलिंग की वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी और हसनैन और नवाज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। आज भी हमारे पास जो है जो है तेज़ बॉलर है जो कि 140 प्लस पे बॉलिंग करते हैं, तो उनको ये टास्क दिया कि आप जोर लगा के बॉल करें विकेट पर, तो अगर आपके पास पेस है तो उसको यूज़ करें। तो यही वजह है कि दोनों ने आज, नसीम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की जिसकी वजह से उसको आज 5 विकेटें मिली। जी बिल्कुल, विकेट ऐसा कोई बुरा नहीं था, मेरे ख्याल से हमने बैक टू बैक जो विकेटें गिराई हैं उसको संभालते संभालते हमने वैसा टोटल जो प्लान किया था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि अर्ली ऑन विकेटें जब गिरती हैं तो आपको प्रेशर आता है। मेरे ख्याल से चांस तो लिया नहीं है, मेरे ख्याल से तो कुछ पूरा शॉट सिलेक्शन थी जिसकी वजह से मेरे ख्याल से विकेटें गिरी हैं, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि मिस्टेक से सीखें और नेक्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करें।